नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ये वीडियो होगी वो होगी मुंबई से वाराणसी या बनारस तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ये वीडियो है वो है मुंबई से वाराणसी बनारस तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई से वाराणसी या बनारस तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, ट्रेन कौन से दिन जो है मुंबई के कौन से स्टेशन से रवाना होती है और वाराणसी या बनारस में कब पहुंचती है, कितने बजे पहुंचती है और ये जो ट्रेन है कितना डिस्टेंस कवर करती है और उसकी एवरेज स्पीड क्या है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं, ट्रेन के कोच के टाइप क्या हैं, LHB हैं या ICF हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मुंबई से बनारस के बीच में वैसे काफ़ी ट्रेनें चलती हैं, कुछ ट्रेनें जो हैं वैसे इसके पास ही 20 किलोमीटर दूर दीनदयाल उपाध्याय तक भी चलती हैं, बट हम इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई से वाराणसी या बनारस तक चलने वाली डायरेक्ट ट्रेन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं मुंबई से वाराणसी या बनारस तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो सबसे पहली ट्रेन जो कि मुंबई को वाराणसी से कनेक्ट करती है वो है महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22,177। ये जो ट्रेन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हर रोज़ दोपहर के रात के 12:10 पर 17 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 27:25 बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन में रात के 3:35 पर 9 या 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके रुकती है। इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं, 1510 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार कोच नहीं है। इसके बाद मुंबई को बनारस या वाराणसी से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है वो है बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन। ये हमसफ़र टाइप की ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर है 19091। बांद्रा टर्मिनस मुंबई से ये जो ट्रेन है हर सोमवार को 5:10 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 31:10 बाद ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:20 पर अगले दिन पहुँच जाती है वाराणसी जंक्शन में 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और इसके तकरीबन 20 स्टेशन से 1746 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। हम सफर टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। थर्ड AC स्लीपर क्लास के कोच हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोच वाली ट्रेन है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। तकरीबन 12 कोच इसमें थर्ड AC के हैं और स्लीपर क्लास के तकरीबन इसमें 7 कोचेस हैं। एक कोचेस जो है कोच जो है पेंट्री कार का यानी कि रसोईयन कक्ष का भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है मुंबई LTT गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12,165। ये जो ट्रेन है हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को 6:05 नंबर प्लेटफॉर्म से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होती है और 25:10 बाद अगले दिन 7:10 पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर वाराणसी जंक्शन में पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं और 1476 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि मुंबई को बनारस या वाराणसी से कनेक्ट करती है वो है काशी एक्सप्रेस। काशी एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 15,017। यह जो ट्रेन है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रोजाना 6:35 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 30:25 बाद वाराणसी जंक्शन में दोपहर के 1 बजे अगले दिन पहुंचती है 5 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और इसके तकरीबन 56 स्टेशन हैं और 1476 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो 2 जनरल डिब्बे इंजन की तरफ लगाए गए हैं, 4 इसमें स्लीपर क्लास के कोच हैं, थर्ड AC के इसमें तकरीबन 9 कोचेस हैं और एक फर्स्ट AC का कोच है, 3 जो है सेकंड AC के कोच है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है पवन एक्सप्रेस। पवन एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 11,061। रोजाना लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये 11:30 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और वाराणसी जंक्शन में अगले दिन दोपहर के 12 बज के
25 मिनट पर ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं, 1466 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है लगभग 60 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है मुंबई से वाराणसी के बीच में। मुंबई से वाराणसी के बीच में जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि है कमायनी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 11071। ये जो ट्रेन है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रोजाना दोपहर के 2 बजे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 29 घंटे 40 मिनट बाद ये ट्रेन जो है बनारस यानी कि मंडुआ डी में शाम के 7:40 पर पहुँचती है एक या तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर। और इसके तकरीबन 43 स्टेशन हैं, 1635 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 55 किलोमीटर पर आवर और इसका ट्रेन नंबर है 11071। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है, मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें पेंट्री कार का कोच शामिल नहीं है। इसके बाद जो अगली इस रूट पर ट्रेन चलती है वो है अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका पूरा नाम है मुंबई LTT रक्सौल अंत्योदय एक्सप्रेस, जो कि वाया छपरा होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 15268। हर सोमवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से शाम के 4:40 पर दो नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 26 घंटे 45 मिनट बाद शाम के 7:25 पर अगले दिन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर वाराणसी जंक्शन में जाकर रुकती है। हर सोमवार को ये ट्रेन जो है चलती है और इसके तकरीबन 15 स्टेशन से 1466 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 55 किलोमीटर पर आवर और इसमें सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं। आप जनरल टिकट लेकर चढ़ सकते हैं, तकरीबन 350 रुपये के करीब इसका जनरल टिकट का किराया होगा। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है मुंबई LTT रांची वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 18610। हर शुक्रवार को शाम को 4:40 पर ये एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से और वाराणसी जंक्शन में अगले दिन शाम के 7:45 पर एक या दो नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 27 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और टोटल डिस्टेंस जो है कवर करती है वो है 1466 किलोमीटर का और एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है मुंबई गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वाया वाराणसी होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 11081। हर बुधवार को ये ट्रेन जो है शाम के 4:40 पे ये 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 28 घंटे 10 मिनट बाद रात के 8:50 पे दो या एक नंबर प्लेटफॉर्म पे वाराणसी जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं, 1491 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है वो है 53 किलोमीटर पर आवर। सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ये ट्रेन है। इसके बाद जो आखिरी ट्रेन जो कि मुंबई को बनारस से डायरेक्टली कनेक्ट करती है वो है मुंबई LTT बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12167। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर रोज रात के 10:45 पे तीन नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 26 घंटे 40 मिनट बाद रात के 1:25 पे ये वाराणसी जंक्शन में पहुंचती है एक या दो नंबर प्लेटफॉर्म पे और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं, 1491 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है और इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। तो दोस्तों इसी के साथ मुंबई से बनारस तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना फेवरेट ट्रेन रूट इस कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।